अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक पेयर है भाई, सक्सेसफुल ब्रीडिंग का और कंटिन्यूस ब्रीडिंग का मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। फीमेल ने अभी अभी अंडा दिया है भाई, ये इनका एक बच्चा है और ये इनका एक बच्चा है। तो ये जो बच्चा है ये कम्प्लीटली उड़ने लायक हो चुका है अभी, ठीक है। और इसके रहते ही इन्होंने ये बच्चा भी निकाल लिया था, अभी फिर इनके रहते ही इसको भी इन्होंने फिर से अंडे दे दिए हैं। तो ये जो जोड़ा है, ऐसे काफ़ी जोड़े मेरे पास यहाँ पे सिमिलर लाइंस पे चल रहे हैं, जहाँ पे जो है कबूतर पहले एक बच्चा निकालता है, उसके थोड़े ही दिन में फिर से अंडे दे देता है, फिर उसको भी पालता है, साथ में फिर से ब्रीड करता है। अभी आप जैसे देख सकते हैं ये करीब एक हफ्ते से थोड़ा सा बड़ा हुआ है इसका, और ये देखेंगे आप ये कम्प्लीटली बड़ा हो चुका है। और ये जो है फिर से अभी नया अंडा आ गया है इसके नीचे, अभी इसने अंडा दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से तीन जनरेशन्स एक ही साथ चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तीन इनके जो बच्चों के जनरेशन्स हैं वो एक साथ चल रहे हैं, एक ये और इंशाल्लाह अब जो ये आएगा वो वाला भी। तो इसी तरीके से अगर आप एक क्लोज्ड बॉक्स में ब्रीडिंग करवाएंगे और उनको दाना पानी अच्छा देंगे, सही टाइम पे देंगे, और आप अच्छा खासा उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे, कैल्शियम और बाकी सारी चीज़ें देते हुए, तो आपके जो कबूतर है वो इस तरीके से कंटिन्यूस ब्रीड में लग जाएंगे, जहाँ पर आपको महीने में एटलीस्ट 4 पट्ठे तो मिल सकते हैं। इस जोड़े का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये 2 अंडे देता है, दोनों बच्चे बनते हैं, लेकिन निकलते टाइम पे एक बच्चा मर जाता है। तो वो थोड़ा सा इशू है इनके अंदर, मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अंडे से निकलते हुए एक बच्चा मर जाएगा लेकिन दूसरा बच्चा बच जाता है। तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए, थोड़ा सा एक अपडेट था इस जोड़े के ऊपर। और ये जोड़ा सारे अपने बच्चे इसी कलर में बनाए। ये तीसरा वाला बच्चा है मेरे पास बड़े साइज़ में, ये चौथा अभी रेडी हो रहा है यहाँ पे, इसका भी आप कलर देखेंगे तो वही आएगा, ठीक है। पूरा जो है ग्रे कलर का, ये इसी तरीके से हरे कलर में, जंगली कलर में जो होता है वो आता है, ठीक है। और दिमाग के ये बहुत पक्के हैं भाई। ये इनका सिस्टम कैसा होता है, छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर से रहते हैं, तो एक दो बार ये कबूतर यहाँ से निकल भी गए हैं खुद से। जब इनको मैंने चेक नहीं किया, डोर थोड़ा सा खुल गया तो पट्टे उड़ गए। 2-3 दिन के बाद पट्टे पलट के वापस आए हैं। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है भाई, ये जोड़ ये पैर के अंदर छोटे पट्टे, छोटे बिल्कुल फर्स्ट फ्लाइट लिए हुए पट्टे घर भटक कर 2-3 दिन के बाद भी वापस आए हैं। तो बहुत ही सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जोड़ा है जो लगा है। तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब लाजमी कर देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अंडा देख लेंगे, राइट बराबर।